यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से है, जय वाजपेयी से जुड़ी बड़ी खबर। जय वाजपेयी पर थी नगर निगम की मेहरबानी, जय के दबदबे के चलते नगर निगम कोई कदम नहीं उठाता था। जय पर काफी टैक्स बकाए हैं लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ब्रह्मनगर स्थित मकान के टैक्स के लिए चेक बाउंस हो गया था, 54,000 का चेक बाउंस हुआ था। चेक बाउंस होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और संपत्ति सीलिंग के बाद जानकारी से विभाग में खलबली है। अब कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए, प्रभात ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जय वाजपेयी का जो सामराज था उसको लेकर कई बार चीजें सामने आई, तो वहीं एक बात साफ है कि नगर निगम और जो वाटर टैक्स और जितने भी हाउस टैक्स थे उसमें भी काफी बड़ा घालमेल था और कोई भी दबदबे के चलते नोटिस नहीं देता था, ना ही किसी तरह की कोई प्रक्रिया करता था। तो अब जब संपत्ति सील हुई है तो पता चला है कि जय वाजपेयी के जो मकान नगर स्थित है वहां का हाउस टैक्स जो है वो 54,000 रुपए से ज्यादा का बाकी था, जिसके लिए चेक भी दी गई थी और भी फरवरी माह में दी गई थी जो बाउंस हो गई थी। लेकिन उसके बाद इतना लंबा वक्त बीत जाने के बीच में ना ही उसके खिलाफ कोई नोटिस जारी की गई, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया की गई। और जब मकान जब सील हुए हैं तो जानकारी हुई है तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी भी घालमेल सामने आता है, लापरवाही सामने आती है कि आखिर क्या वजह है कि जब चेक बाउंस हुई थी तो उसके बाद तत्काल सुबह से नोटिस क्यों नहीं जारी की गई। अब जो अधिकारी है, जो पास के जो अधिकारी है, उनका कहना है कि पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लंबे समय से ये पूरा जय वाजपेयी का साम्राज्य चल रहा था, अधिकारियों की साझेदार से और जो बाबूत की साझेदार से साम्राज्य चल रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी। जी शुक्रिया प्रभात जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से है, जय वाजपेयी से जुड़ी बड़ी खबर। जय वाजपेयी पर थी नगर निगम की मेहरबानी, जय के दबदबे के चलते नगर निगम कोई कदम नहीं उठाता था। जय पर काफी टैक्स बकाए हैं लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ब्रह्मनगर स्थित मकान के टैक्स के लिए चेक बाउंस हो गया था, 54,000 का चेक बाउंस हुआ था। चेक बाउंस होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और संपत्ति सीलिंग के बाद जानकारी से विभाग में खलबली है। अब कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए, प्रभात ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जय वाजपेयी का जो साम्राज्य था उसको लेकर कई बार चीजें सामने आई, तो वहीं एक बात साफ है कि नगर निगम और जो वाटर टैक्स और जितने भी हाउस टैक्स थे उसमें भी काफी बड़ा घालमेल था और कोई भी दबदबे के चलते नोटिस नहीं देता था, ना ही किसी तरह की कोई प्रक्रिया करता था। तो अब जब संपत्ति सील हुई है तो पता चला है कि जय वाजपेयी के जो मकान नगर स्थित है वहां का हाउस टैक्स जो है वो 54,000 रुपए से ज्यादा का बाकी था, जिसके लिए चेक भी दी गई थी और भी फरवरी माह में दी गई थी जो बाउंस हो गई थी। लेकिन उसके बाद इतना लंबा वक्त बीत जाने के बीच में ना ही उसके खिलाफ कोई नोटिस जारी की गई, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया की गई। और जब मकान जब सील हुए हैं तो जानकारी हुई है तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी भी घालमेल सामने आता है, लापरवाही सामने आती है कि आखिरकार क्या वजह है कि जब चेक बाउंस हुई थी तो उसके बाद तत्काल सुबह से नोटिस क्यों नहीं जारी की गई। अब जो अधिकारी है, जो पास के जो अधिकारी है, उनका कहना है कि पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लंबे समय से ये पूरा जय वाजपेयी का साम्राज्य चल रहा था, अधिकारियों की साझेदार से और जो बाबूत की साझेदार से साम्राज्य चल रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी। जी शुक्रिया प्रभात जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।